हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज ना मैं थोड़ा बाहर आई हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम था। काम क्या था कि मुझे करानी थी टिया की कटिंग। वो मैंने आपको बताया था ना कि टिया की थोड़ी थोड़ी कटिंग करानी है मुझे, नीचे से थोड़े उसके बाल ना मतलब ठीक से नहीं आ रहे, अभी बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे से मैंने कहा एक बार कटिंग करा दूँगी तो सही हो जाएंगे। और ये मैं हूँ सदर में, बंगाल है पार्लर, और मैं यहाँ पर आई हूँ कटिंग कराने के लिए टिया की। ये पता है बहुत ही अच्छा है और मतलब बहुत अच्छा पार्लर है, और दूसरी बात यह है कि बहुत सस्ता भी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ से ज़्यादा इतने कम रेट में कहीं और कटिंग होती है, वो भी इतनी अच्छी कटिंग जितनी अच्छी यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे हर कटिंग के मतलब 50 रुपीज़ में ही कटिंग होती है, तो अच्छा सब कर रखा था। मतलब यहाँ पे सैनिटाइज वगैरह दे रहे थे बाहर, और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा पार्लर है और यहाँ कितने लोग आए हुए हैं। मतलब काफ़ी भीड़ थी, लेकिन फिर भी मतलब गैप था लोगों में, सभी लोग अलग अलग थे। और देखिए सब अपना ये कटिंग डिपार्टमेंट है यहाँ पे, यहाँ पे सारी कटिंग्स जितनी भी होती हैं हेयर का सारा काम यहाँ पे होता है। बाकी मतलब पार्टीशन बने हुए हैं, हर जगह अलग कैबिन है हर उसका ही, कहीं मेकअप का है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, ये सब चीज़ें। लेकिन ये जो सबसे बाहर वाला जो मतलब केबिन है, ये सारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कटिंग का है। तो टिया जी हमारी बैठ गई हैं कटिंग के लिए, वेट कर रहे हैं भैया का भी, वो थोड़ा बिजी हैं, किसी और के कर रहे थे, तो हम लोग बैठे हुए थे वेट कर रहे थे उनका। तो टिया मैडम आराम से बैठी हुई है। तो भैया आ गए और टिया की कटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। भैया कटिंग कर रहे हैं टिया की। और मतलब मैं आपको बताऊं कि यहाँ मैं ना मैं भी शादी से पहले से मैं यहीं से कटिंग कराती हूँ, और 12 साल तो के तो मतलब मेरी शादी को ही हो गया 12 साल, और 12 और उससे पहले से मैं यहीं से कटिंग कराती हूँ हमेशा से, क्योंकि मतलब अच्छा काम होता है। पता है बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर, अभी तो शायद इतनी भीड़ नहीं है जितनी पहले रहती थी, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी यहाँ पर। कई बार तो मुझे मतलब एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे लग जाते थे यहाँ पे, इतनी लंबी लाइन लगती थी। पर अभी तो देखो माहौल ही ऐसा चल रहा है, तो इतना कोई भीड़ भीड़ का कुछ है नहीं, हर आदमी खुद ही प्रिकॉशन रखता है। तो बस हो रही है टिया की कटिंग, अब देखते जाइए आप टिया की कटिंग कैसी लगती है, आप बताना ज़रूर कमेंट करके मुझे। आज हम लोग आए हैं यहाँ पर, ये कौन सी जगह है और ये कहाँ पे है तो मैं आपको बताती हूँ। ये मेरठ में है, और इसका ये जो पार्क है इस जगह का नाम है सूरज कुंड पार्क, और बाकी इसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज देखिए हम लोग कहाँ आए हुए हैं, हम लोग आज आए हुए हैं सूरज कुंड पार्क। ये है मेरठ में जो देखने वाली बहुत अच्छी अच्छी जो जगह हैं, जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं देखने की, उसमें से ये बहुत ही अच्छा प्लेस है, बहुत अच्छा पार्क है। तो एक्चुअली क्या है कि आज इनका ना थोड़ा सा मतलब वर्क था, फील्ड वर्क था, तो इनका बहुत जल्दी कम्प्लीट हो गया था, इन्होंने कर लिया था, ऑफिस में गए थे, आज बाहर का ही वर्क था, तो इस वजह से हम मतलब जल्दी फ्री हो गए। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा कहीं चलते हैं, कहीं घूम के आते हैं। तो इन्होंने कहा कि और यार कहाँ जाना है भीड़ भीड़ में, एक काम करते हैं कि पार्क चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पार्क में आए हैं, और बहुत ही खूबसूरत पार्क है ये, अभी मैं आपको अच्छे से दिखाऊँगी पूरा। तो आइए देखते हैं। देखिए कितने अच्छे हैं, क्या है ये, इतना अजीब सा पेड़ है, देखो कैसा है अजीब सा पेड़, काटा बहुत लग रहा है।
कांटे लग रहे हैं, बाल होते हैं ना किसी के। हाँ जैसे बाल नहीं होते उस टाइप का ये मोटी देखा। मोटी कह रहे हो मेरे को, मोटी हमें भी दिखा। कह रहे मोटी हमें भी तो दिखा। अरे मम्मी बाल खुद ही खुद आई जा रही है। अरे मम्मी पाते छोड़ो, चलो चलते हैं। कहाँ चले, चल तो रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हो आप मिट्टियाँ? यहाँ पे क्या है? वाओ यार कितना अच्छा है यहाँ पे, है ना? देखिए यहाँ पे ये दोनों ना नीचे भी जो जगह है यहाँ पे ये मिट्टी है, यहाँ पे ना पानी रहता है, लेकिन अभी यहाँ पानी वानी नहीं है, सब सूखा हुआ है। नहीं तो इस जगह ये इस साइड में ना पूरे एरिया में पानी भरा था। एक कबीर उधर से गया और इधर ना उधर से जाके इधर से निकल के आ गए। बच्चों की मस्ती रहती है, कहीं भी जाए मेन इन्जॉय तो बच्चे ही कर पाते हैं। और आप ये देखिए, ये है स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति जो यहाँ पर लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है और ये देखिए कितनी अच्छी मूर्ति बनी हुई है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था। इसके चारों तरफ देखो ये पूरा पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है और मतलब इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे, शांत सा बिल्कुल। और ये हम यहाँ से जा रहे थे दूसरी साइड में जहाँ पे झूले हैं, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों को तो झूला ही चाहिए होता है। इस एक्चुअली क्या है कि इसका जो एरिया जाने का है ना वो थोड़ा लॉन्ग घूम के जाना पड़ा था, बट ये शॉर्टकट था तो हम लोग यहाँ से आ गए। हालाँकि ये तरीका सही नहीं था बट फिर भी शॉर्टकट था इसलिए हम आ गए। और इस साइड देखिए इधर जो गार्डन था यहाँ से बच्चे फुटबॉल्स वगैरह खेल रहे थे। और ये जो साइड है यहाँ पे ये झूले लगे हैं, कुछ झूले यहाँ बच्चे अपना आ गए यहाँ पे। देख कितने अच्छे अच्छे पेड़ लगे हैं यहाँ पे। और पता है यहाँ पे ना मतलब और भी झूले लगे हुए थे, मैंने पहले आई थी काफ़ी, मतलब काफ़ी टाइम हो गया मेरे को यहाँ पे आए हुए। जब मैं आई थी तब कुछ और झूले थे, इस बार कुछ झूले यहाँ से हट गए हैं तो मुझे दिख नहीं रहे वो झूले, नहीं तो पहले यहाँ पे और भी झूले थे। अभी ये दो तीन ही झूले हैं जो भी हैं यहाँ पे, बाकी नहीं है यहाँ और कोई झूले। अब कबीर यहाँ पे चढ़ गया और चढ़ने के बाद में उसको डर लग रहा, फिर चुपचाप से नीचे उतर गया। मैंने कहा बेटा तू नीचे ही उतर जा, कहीं गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। देखो डर ही लगता है बच्चे का, पता नहीं चलता है तो अपनी मस्ती में रहते हैं, इनको तो मस्त खेलने का रहता है। मैंने कहा बेटा तू ऊपर मत चढ़, अपना इस वाले इसी पे स्लाइड कर ले अपना। लेकिन बस देखो टिया है, टिया कह रही मम्मी मेरे को आता है मैं चढ़ूंगी। मैंने कहा चल ठीक है तू चढ़ जा, और वो भी चढ़ के बस ऊपर बैठ गई। और उसने मतलब कह रही, मैंने कहा इसको आगे तक जाओ, कह रही नहीं मम्मा बस इतना ही ठीक है। तो बस बच्चों ने करी है कुल मिला के पूरी। कबीर और टिया यहाँ पे कर रहे हैं रेस, तो हम देखते हैं इनकी रेस में से कौन फर्स्ट आता है और कौन सेकंड आता है। अरे गाइस मैं ही जीतूंगा, समझो मैं ही जीतूंगा। देखा इतना कॉन्फिडेंस है, कह रहा है कि मैं ही जीतूंगा। वो जो हट तक जाना है ठीक है ओके। देखना ये डुगू छोटा सा हार गया, हार गया, हार गया, हार गया, हार गया। कौन है ये ओवर कॉन्फिडेंस है डुगू? डुगू के ओवर कॉन्फिडेंस ने डुगू को हरा दिया। तो आपको कैसा लग रहा है हारने के बाद, बताएंगे आप? आपको हारने के बाद कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा। ये क्या हुआ, पेट में दर्द हो गया? नहीं। फिर क्या हुआ? थक गया। तो भी इतना सारा घूम घाम के मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और ये बच्चे तो थकते ही नहीं है। वो देखो घूमे जा रहा है, वो देखो डुगू देखो वहाँ भी घूम रहा है इतना ज़्यादा, और मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, थक गई हूँ इससे इतना ज़्यादा। तो मैं तो बैठी हुई आराम से, और ये भी उधर गए हुए हैं, सारे उधर हैं। तो अभी तो मैं रेस्ट कर रही हूँ, उसके बाद तो इतना आप ये देखिए ऊपर, मतलब इतनी देखिए इधर ये कितना अच्छा, मतलब हरा हरा सा इतना ज़्यादा पेड़ है, तो बहुत अच्छी हवा चल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और मैंने मास्क लगाया, यहाँ पे कुछ नहीं पहना है क्योंकि यहाँ पे ना मतलब ज़रूरत ही नहीं है, और मतलब फ्रेश एयर मिल रही है हमें इस वजह से। तो आइए आगे भी और कुछ है वो मैं आगे के आपको दिखाऊंगी।
और बस अभी बहुत खेल लिया, बहुत घूम लिए, बहुत मस्ती कर ली। और पता नहीं टिया को क्या हुआ कि थोड़ा सा उसके पेट में दर्द होने लगा, तो बस फिर मन बच चुका होगा कि चलो अब घर चलते हैं। और लेट भी हुआ था कि घर पे भी काफ़ी काम था, मैं बहुत देर की निकली हुई थी घर से क्योंकि वहाँ कटिंग कराने गए, वहाँ भी काफ़ी टाइम लग गया। और फिर यहाँ आए, यहाँ भी पता ही नहीं चला टाइम का, मतलब बिल्कुल इतनी देर हो गई मैं यहाँ पर आए हुए, लेकिन बिल्कुल टाइम का वक्त ही का मतलब पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। बहुत इन्जॉय करा, बहुत मज़ा आया। और आपको हमारा मेरठ का सूरजकुंड पार्क आपको कैसा लगा है और आज की वीडियो आपको कैसी लगी है? तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। तो मिलते हैं एक और नई अच्छी सी व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।